सबसे बड़ी बात के आपको सस्पेंस क्रिएट करने वाला साउंड इफेक्ट भी यहाँ से मिलेगा। दोस्तों अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का है, आप अपने चैनल पर फनी वीडियोस अपलोड करते हैं या कॉमेडी कुछ भी अपलोड करते हैं, उसके लिए जो साउंड इफेक्ट होते हैं वो आपको अनलिमिटेड यहां से मिल जाएंगे। आपको इस वीडियो को अच्छे से वॉच कर लेना है। आपका चैनल किसी भी कैटेगरी का हो, आपको अनलिमिटेड साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे, वो भी नॉन कॉपीराइट, जिस पर आपको कभी भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। तो चलिए वो सब जानेंगे आगे इस वीडियो में। उससे पहले जो कल के विनर हैं उनके चैनल का लिंक मैंने कम्युनिटी टैब में डाल रखा है, आप जाकर उनको सपोर्ट जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किए हैं कि वो जब भी अपना साउंड इफेक्ट अपनी वीडियो में लगाते हैं उनको कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो इसलिए मैंने आज की वीडियो में कुछ आपको एक ऐप के बारे में बताया और एक आपको मैं एक जेन्युइन तरीका एक और बताऊंगा, वहां से आप अगर साउंड इफेक्ट डाउनलोड करोगे तो आपको कभी भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। तो वो सब जानते हैं चलिए आगे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैं दो तरीके बताऊंगा। जो नंबर वन पर पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको एक ऐप को इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से, वहां से आपको सस्पेंस क्रिएट करने वाला साउंड इफेक्ट भी मिल जाएगा। तो प्ले स्टोर को ओपन आपको कर लेना है और यहां पर आकर आपको सर्च करना है नाइजीरिया कॉमेडी साउंड इफेक्ट। नाइजीरिया कॉमेडी साउंड इफेक्ट आपको लिख कर सर्च कर देना है। तो यहाँ साइड पर भी देख लीजिए मैंने लिख दिया है, नाइजीरिया कॉमेडी साउंड इफेक्ट आपको लिख कर सर्च कर देना है। तो सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी ऐप्स मिल जाएंगी। तो जैसे कि अभी मैं सर्च कर रहा हूँ, देखिए आपको ध्यान से देखना है आपको कौन सी ऐप को इंस्टॉल करना है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी ऐप्स आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए जो नंबर वन पर ऐप आ रही है आपको इसको ही इंस्टॉल करना है। आपके ये ऐप ऊपर नीचे हो सकती है तो आपको इसका लोगो अच्छे से देख लेना है। मैं इस पर क्लिक कर आपको लोगो दिखा देता हूँ इस ऐप का। तो देखिए मैंने इसको पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो आप इसका लोगो देख लीजिए। दोस्तों इसमें आपको सस्पेंस क्रिएट करने वाला साउंड इफेक्ट भी मिल जाएगा। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ से ही। तो मैंने ओपन कर लिया तो इसका इंटरफेस ऐसा आता है। तो दोस्तों यहाँ से बहुत ही सिंपल होता है साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना। पहले आप प्ले पर क्लिक कीजिए, पहले इसको सुन लीजिए और उसके बाद आप डाउनलोड पर क्लिक कीजिए, ये डाउनलोड हो जाएगा आपके फ़ोन की गैलरी में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको मैं दिखाता हूँ कि सस्पेंस क्रिएट करने वाला साउंड इफेक्ट भी आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं सस्पेंस वन, सस्पेंस टू, सस्पेंस थ्री, तो ये तीनों जो सस्पेंस क्रिएट करने वाले साउंड इफेक्ट है आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो पहले आप सुन लीजिए। आपने YouTube पर सुना भी होगा कि बहुत सारे यूट्यूबरों ने बताया है कि आप अपनी वीडियो या शॉर्ट में सस्पेंस क्रिएट कीजिए तो आपको ऑडियंस रिटेंशन मिल जाएगा। तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए अगर आप बोलकर सस्पेंस क्रिएट नहीं कर सकते। तो जो दूसरा तरीका है उसके लिए आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है और डेस्कटॉप साइट पर लगा लेना अपने चैनल को। तो डेस्कटॉप साइट पर लगाने के बाद आपको यहां पर कस्टमाइज चैनल पर क्लिक कर देना है। ऊपर आपको ऑप्शन मिल रहा है कस्टमाइज चैनल, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूं। तो इस पर क्लिक किया तो यहां पर आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ साइड बार आ जाएंगे। मैं यहां पर जूम कर देता हूं थोड़ा। तो यहां पर जूम करने के बाद देखिए जो सबसे लास्ट वाला आइकन है ऑडियो लाइब्रेरी का। तो दोस्तों यहां पर आपको साउंड इफेक्ट कैसे मिलेंगे वो जान लीजिए, अभी वीडियो को स्किप मत कीजिए नहीं तो कुछ ना कुछ मिस कर जाओगे। तो यहां पर देखिए आपके सामने बहुत सारे म्यूजिक आ जाएंगे, लेकिन आपको साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना है वो भी आपको अपनी इच्छा से अपनी कैटेगरी के हिसाब से। तो उसके लिए साउंड इफेक्ट पर क्लिक किया तो यहां पर आप देख लीजिए बहुत सारे साउंड इफेक्ट आपके सामने आ गए हैं। तो देखिए यहां पर आपको अनलिमिटेड साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है देखिए यहाँ पर पहले मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर एरो पर क्लिक कर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। देखिए यहाँ पर और बहुत सारे आ जाएंगे, यहाँ पर पेज ओपन होते ही जाएंगे। तो इस तरह से आपको साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। तो देखिए अब आपको सर्च और फिल्टर पर क्लिक करना है, सर्च और फिल्टर लाइब्रेरी, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कैटेगरी पर क्लिक कर देना है। कैटेगरी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने बहुत सारी कैटेगरीज आ जाएंगी। तो आप अपनी इच्छा से यहाँ से देख लीजिए आपको किस टाइप का साउंड इफेक्ट चाहिए। तो मैं हॉरर पर क्लिक कर अप्लाई पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे हॉरर साउंड इफेक्ट आ गए हैं जो हॉरर चैनल वाले यूज़ करते हैं। तो देखिए बहुत सारे आपको इस तरह से मिल जाएंगे, आप कैटेगरी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। तो इसको डाउनलोड करने के लिए देखिए आपको जो भी म्यूजिक अच्छा लगे, साउंड इफेक्ट अच्छा लगे, तो सामने एक आपको प्ले का आइकन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो उसके बिल्कुल सामने आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस पर क्लिक कर आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके सामने इस तरह से आ जाएंगे बहुत सारे साउंड इफेक्ट।
तो उसके बाद अगर आप अपनी इच्छा से करना चाहते हैं, ड्यूरेशन अपनी इच्छा से सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको फिर से सर्च और लाइब्रेरी पर क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको ड्यूरेशन मिल जाएगा। ड्यूरेशन पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आप जितना टाइम भी आप फिल करोगे तो उससे ऊपर का ही आपको मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल मुझे 18 सेकंड से ऊपर का ही साउंड इफेक्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0018 और उसके बाद मैं अप्लाई पर क्लिक कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर जितने सारे भी साउंड इफेक्ट आ गए हैं ये 18 सेकंड से ऊपर के ही हैं, 18 सेकंड के ऊपर की हैं। ऐसे ही आपको इनको प्ले करना है, प्ले कर आपको डाउनलोड कर लेना है। तो प्ले का आइकन आपको मिल जाएगा, इसके सामने ही प्ले का आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद सुनिए और डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आपको इन दोनों तरीकों से कौन सा तरीका बेस्ट लगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।